देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ITI टू CTI क्लासेज। मैं देवेंद्र सर, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस की क्लास। और साइंस की क्लास में आज का हमारा चैप्टर होगा शक्ति। क्या होगा? शक्ति यानी कि पावर। शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। यानी कि आप यदि किसी वस्तु के ऊपर, यदि ये है मार्कर, अगर इसके ऊपर आप जो ये फोर्स लगाते हो इस तरह से, ठीक है, ये सरक रहा, ये दूरी, ये जितने समय में ये दूरी तय करता है, जितना आपने फोर्स लगाया इंटू में दूरी बाई बटे समय हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? शक्ति कहलाएगा। यानी कि आप साधारण शब्दों में कहो तो जो कार्य आप कर रहे हो वो जितने समय में करते हो, प्रति वो टाइम, जितना टाइम आप कर रहे हो उससे उसको बटे कर देंगे, ठीक है। एफ फोर्स गुणा में दूरी बटे समय हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। शक्ति होता है एफ गुणा डी बाई टी। डी आपको पता दूरी होता है, एफ फोर्स बल, जितना आप उस पर फोर्स अप्लाई करें, और टी समय, ठीक है। और डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ गुणा डी, जो कि आपको पता है पहले मैंने आपको करवाया था कार्य की क्लास में, ठीक है। परंतु जो डी बाई टी होता वो क्या होता है? गति यानी कि विलोस्टी के बराबर होता है। यदि आपको विलोस्टी दी हुई है तो शक्ति फूस रहा है, और फोर्स दी हो तो एफ गुणा वी होता है, ठीक है। तो जो हमारी दो नंबर इक्वेशन है वो अप्लाई होगी। उससे आगे आता है कि शक्ति की इकाइयाँ, शक्ति की निरपेक्ष इकाइयाँ होती हैं, एम केस प्रणाली में वाट होता है। यानी कि वाट कैसे कहेंगे? एक जूल कार्य प्रति सेकंड किया जाए, यानी कि एक सेकंड में यदि एक जूल कार्य किया जाए तो एक वाट के बराबर होता है, उसे वाट कहते हैं। और एक जूल किसके बराबर? 10^7 अर्ग प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। और ये आगे लिखा है कि 746 वाट बराबर है 1 आवर्स पावर। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि ब्रिटिश प्रणाली में आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटिश प्रणाली में हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट बराबर होता है 1 आवर्स पावर के। और मीट्रिक प्रणाली में 735.5 वाट बराबर होता है 1 हॉर्स पावर के, ठीक है। इससे आगे है कि सी नंबर दो पे कि CGS प्रणाली में जो शक्ति की इकाई होती है वो होती है अर्ग प्रति सेकंड। अर्ग प्रति सेकंड यानी कि एक डाइन फोर्स को 1 सेंटीमीटर दूर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में सरकाते हैं तो एक डाइन फोर्स लगा के 1 सेंटीमीटर की दूरी यदि 1 सेकंड में तय करते हैं तो वो क्या कहलाती है? अर्ग प्रति सेकंड होती है, ठीक है। उससे आगे आता फुट पौंड सेकेंड यानी कि FPS। FPS में क्या होता है? फुट पौंड प्रति सेकेंड होती है, जो शक्ति की इकाई होती है, ठीक है। तो ये था हमारा जो शक्ति की क्या कहलाती है, और शक्ति की जो निरपेक्ष इकाइयाँ। और इससे आगे आता है कि शक्ति की व्यवहारिक इकाइयाँ, जो शक्ति की व्यवहारिक इकाई होती है वो होती है हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति। और जो एमकेएस प्रणाली में HP यानी कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? वर्क डन इन किलोग्राम मीटर प्रति मिनट अपॉन में 4500, यानी कि 1 हॉर्स पावर होता है जब हम 4500 किलोग्राम मीटर प्रति मिनट की दर से कार्य करें, ठीक है। या फिर वर्क डन इन या इन किलोग्राम प्रति सेकंड अपॉन 75, यानी कि, या फिर हम 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की दर से कार्य करें तो 1 हॉर्स पावर होता है, ठीक है। ये होता है MKS प्रणाली में। उससे आगे आता है FPS प्रणाली में होता है कि हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो वर्क डन इन फुट पौंड प्रति मिनट अपॉन 33,000, यानी कि जब हम 33,000 फुट पौंड प्रति मिनट की दर से कार्य करें, या वर्क डन इन फुट पौंड प्रति सेकंड अपॉन 550, या फिर हम 550 फुट पौंड प्रति सेकंड की दर से हम कार्य करें तो वो होते हैं हॉर्स पावर। ये होती है हमारी जो MKS में और FPS में हॉर्स पावर निकालने की जो व्यवहारिक इकाइयाँ होती हैं वो।
ठीक है, इससे आगे आता है सांकेतिक अश्वशक्ति। क्या होता है सांकेतिक अश्वशक्ति? क्या होता है? इंडिकेट हॉर्स पावर। यह वह शक्ति होती है जो इंजन के सिलेंडर या मोटर के अंदर पैदा होती है, जो हमें जो इंजन या जब इंजन इंजन चलाते हैं या मोटर चलाते हैं, जो उसके अंदर पैदा होती है हॉर्स पावर, वो होती है इन सांकेतिक अश्वशक्ति। इसे हम थ्रोटिकल हॉर्स पावर भी कहते हैं। ठीक है, इससे आगे है कि उपयोगी हॉर्स अश्व शक्ति, उपयोगी ब्रेक हॉर्स पावर। यह वह शक्ति होती है जो हमें वास्तविक रूप से इंजन से प्राप्त होती है, यानी कि जब हम इंजन जो चला रहे हैं, यानी कि यदि हमने कोई ट्यूबवेल पे रखा है इंजन, तो जब हम उसे चला रहे हैं तो जितनी शक्ति से वो पानी बाहर निकाल रहा है, तो वो क्या होती है, हमें उपयोगी अश्व शक्ति होती है जो यूज में आ रही है। नंबर दो पे आता, उससे आगे आता नंबर तीन पे घर्षण अश्व शक्ति। घर्षण घर्षण के कारण जो नष्ट हो जाती है शक्ति, जो हमें जो बेल्ट यूज कर रहे हैं उसके कारण जो यूज नहीं हो पाती, जो नष्ट हो जाती है शक्ति, उसे क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, यानी कि घर्षण के कारण नष्ट हुई शक्ति कहते हैं, घर्षण अश्व शक्ति कहते हैं। ठीक है, इससे आगे आता है कि 1 HP इज इक्वल टू होता है BHP, यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर प्लस में फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। ठीक है, और BHP होता है 1 HP माइनस में FHP। और यदि हमने उसकी इंजन की या मोटर की दक्षता निकालनी हो तो BHP अपॉन में 1 HP इंटू में 100 हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे है कि दो चार बातें हैं कि फोर स्ट्रोक इंजन की RPM होती है तो N/2 होता है, नंबर ऑफ स्ट्रोक बाई टू। ठीक है, इससे आगे है कि ये इस साइड है, डबल डबल एक्टिंग इंजन की RPM होती है N × 2, नंबर ऑफ स्ट्रोक इंटू टू होता है। मल्टी सिलेंडर इंजन की RPM होती है 1 HP इंटू में नंबर ऑफ है सिलेंडर, नंबर ऑफ है सिलेंडर जितने सिलेंडर का है वो, और 1 HP उसकी हॉर्स पावर की जितनी है। ठीक है, तो ये था हमारा जो शक्ति का चैप्टर था। आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।